अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हेयर वी हैव टुडेज़ एग्ज़ाम जो कि आज असिस्टेंट डायरेक्टर ASF के लिए हुआ है बैच वन, और इसके कुछ सवालात जो हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग जनरल नॉलेज वाला जो पोर्शन है उसको कम्प्लीटली देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज़ मोहम्मद अली बोकरा। इसमें ऑप्शन थे लॉ मिनिस्टर है या लेबर मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज़ द प्राइम मिनिस्टर, आई गेस ही वॉज थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का प्रेजिडेंट बनने के लिए कितनी मिनिमम उम्र जो है वो रिक्वायर्ड है, 45 साल उम्र हो तो आप पाकिस्तान के प्रेजिडेंट बनने के लिए एलिजिबल होते हो। इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन मैक्सिमम पावर्स वर गिवन टू, ज़्यादातर पावर्स जो हैं वो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में किसको ग्रांट की गई थी, दैट वर गिवन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमल्गेटेड ऑन, कब पाकिस्तान का 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाफिज किया था मुल्क में, दैट वाज ऑन 14th of August 1973। ओके, इन विच सूरा देयर इज़ बिस्मिल्ला, दो दफ़ा जो बिस्मिल्ला है किस सूरत के स्टार्ट में आती है, दैट इज़ सूरह नमल। सूरह कहफ में कौन से जानवर का जिक्र है अस्हाब कहफ के साथ, तो दैट इज़ डॉग, कुत्ते का जिक्र जो है वो सूरह कहफ में आया है अस्हाब कहफ के साथ। बैतुल मामूर इज़ ऑन विच हेवन, बैतुल मामूर जो है वो कौन से आसमान पर है, दैट इज़ ऑन 7th heaven, सातवें आसमान पर है। बैटल यरमूक वाज फॉट बिटवीन, बैटल यरमूक किन दो ग्रहों के दरमियान में हुई थी, दैट वाज बिटवीन रोमन एम्पायर एंड मुस्लिम्स। विच डॉटर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहा वाज मैरिड टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर रज़ियल्लाहा की कौन सी बेटी की शादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई थी, दैट वाज हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहा। What does हुरैरा means? हुरैरा का मतलब क्या है, बिल्ली, cat, ठीक है। What is the subject of Holy Quran? कुरान का जो subject है वो क्या है, that is human being। नमाज जनाजा क्या है, फ़र्ज़ कफ़ाया, इसका जो है वो right answer है। अबुल हकम इज़ द टाइटल ऑफ, अबुल हकम जो है वो किसका खिताब है, अबू जहल का। किंग ऑफ डैश टोर द लेटर्स ऑफ प्रॉफिट, अच्छा कौन से किंग ने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतूत को फाड़ दिया था, दैट वाज किंग ऑफ पर्शिया, टुडेज़ ईरान, ठीक है, ईरान था ऑप्शंस में, तो ईरान इसका करेक्ट आंसर है। इमरान खान रीच्ड मॉस्को ऑन, इमरान खान मॉस्को कब पहुँचे, डेट एग्जैक्ट पूछी गई थी, दैट वॉज ऑन 24th February 2022। उसके बाद है जी, चाइना इनॉग्रेटेड न्यू ट्रेड रोड इन August 2021 थ्रू दी रोड शिप्स एट्सेट्रा, और ये किस कंट्री के साथ जो है वो चाइना ने न्यू ट्रेड रूट अगस्त में 2021 में स्टार्ट किया था, इनॉग्रेट किया था, दैट वाज म्यांमार, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स हेल्ड ऑन, टोक्यो ओलंपिक्स कब हुई थी, दैट ओपनिंग जो थी इनकी 23rd July 2021 को हुई थी, और जो क्लोजिंग है वो 8 August 2021 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है जी, इज़राइल ओपन द एम्बेसी इन UAE ऑन, इज़राइल ने अपनी एम्बेसी UAE में कब ओपन की थी, डेट पूछी गई थी, दैट इज़ 30th June 2021, ठीक है। उसके बाद सवाल था जी, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो हैं दोबारा सिलेक्ट हुए हैं, और सवाल एक्चुअली ये था कि UN सेक्रेटरी जनरल जो है वो कितने साल के लिए, उसका टेन्योर क्या होता है, कितनी देर के लिए वो मुंतखब होता है, दैट इज़ 5 years, 5 साल के लिए। फिर उन्होंने एक शिप का नाम पूछा हुआ था जिसने रिसेंटली जो है वो 2021 में आई गेस ब्लॉक कर दिया स्विस कैनाल को, दैट वाज द एवर गिवन, ठीक है, एवर ग्रीन था ऑप्शंस में, एवर गिवन था, और एवर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, लेकिन जो इसका सही दुरुस्त जवाब है दैट इज़ एवर गिवन, ठीक है। देन क्वेश्चन था, सामिया सालूह हसन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, कौन सी कंट्री की प्रेसिडेंट हैं, तंजानिया की, ठीक है। ब्रेक्जिट केम इनटू फोर्स ऑन, ब्रेक्जिट कब जो है वो नाफिस हुआ एग्जैक्टली, दैट वाज ऑन 31st January 2020, और इसके ऑप्शंस में जो है वो जनवरी 1st
फेबररी भी था, इस तरह से था ऑप्शंस, उसमें 31 जनवरी नहीं था, तो नन ऑफ दीज जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद है जी अब्दुल रजाक गुरना वाज अ नॉवलिस्ट, ही बिलोंग टू विच कंट्री, कौन सी मुल्क से इनका ताल्लुक़ था अब्दुल रजाक गुरना का, तंजानिया, ठीक है। उसके बाद है जी अटैक हुआ था अबू धाबी एयरपोर्ट पे, एन अटैक ऑन अबू धाबी एयरपोर्ट वाज क्लेम्ड बाय विच टेररिस्ट ग्रुप, तो ये अटैक की बाद में जिम्मेदारी किस टेररिस्ट ग्रुप ने कबूल की थी, दैट वाज यमन्स हूती रेबल्स, ठीक है। फिर सवाल पूछा गया था कि करंट जो चेयरमैन हैं अफ्रीकन यूनियन के, वो उनका ताल्लुक़ किस कंट्री से है, तो उनका ताल्लुक़ जो है वो सेनेगल से है और उनका नाम जो है वो मैकी सॉल है, ठीक है। मैकी सॉल इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ अफ्रीकन यूनियन एंड ही बिलोंग्स टू सेनेगल। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिस, ट्यूनिस की पहली मुसलमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, शी इज़ नजला बोदीन रोमदानी, आई गेस दिस इज़ रोमदानी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लता मंगेशकर डाइड ऑन, अब आप देखें कि FPSC जो है वो अपने क्वेश्चंस में कितनी डाइवर्सिटी लेके आ रहा है, हर दफ़ा आपको इनमें एक ना एक सिंगर की या किसी एक्टर की डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ जो है वो पूछी जाती है। इसके अलावा करंटली जो आपका मैच हो रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स हैं, PSL के बारे में, ये वाले सवाल जो है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप काइंडली इन तमाम तर चीज़ों के नोट्स बनाएं और इनको जो है वो हर वीक हर मंथ एक दफ़ा रिवाइज ज़रूर किया करें, ठीक है। आपके जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आपने हेडक्वार्टर्स भी ज़रूर याद रखने हैं, और अगर आपने देखा हो कि वीडियो में तकरीबन जो इनिशियल 10 क्वेश्चंस थे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के हवाले से जितने भी सवाल थे वो प्रीवियसली हम लोग अपनी तमाम तर वीडियोस में बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का पेपर जिसने अटेम्प्ट किया है बैच 1 का और उसने मेरी जिसने वीडियो देखी होंगी तो होपफुली इंशाल्लाह उसने वो वाले 10 क्वेश्चंस तो यकीनन दुरुस्त ही किए होंगे। इवन मैंने भी वो 10 क्वेश्चंस जो है वो इसीलिए करेक्ट मार्क किए हैं बिकॉज मैंने भी वीडियोज़ में ही वो चीज़ें बताई भी हुई थी और मेरी भी वो चीज़ें रिवाइज थी। तो आप पाकिस्तान स्टडीज़ की जो है ज़रूर देखा करें वीडियोस, उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी लता मंगेशकर की डेथ कब हुई, दैट वाज ऑन February 6, 2022। उसके बाद है नासा कलेक्टेड अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम मार्स, व्हाट इज़ इट्स नेम, नासा ने एक पीस ऑफ रॉक जो है मार्स से लिया है उसका क्या नाम है, दैट इज़ प्रिजर्वेंस, ठीक है। उसके बाद PSL 7 वाज वन बाय, PSL 7 जो है वो किस ने जीता है, लाहौर कलंदर वाज द करेक्ट आंसर। हु इज़ द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब के फादर अब्दुल कदीर ख़ान को समझा जाता है। विच कंट्री ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड पाकिस्तान आफ्टर इंडोनेशिया, अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिला, अगर आप में से किसी को एग्जैक्टली याद है कि इंडोनेशिया के राइट आफ्टर किस कंट्री ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया था ऑफिशियली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद पूछा गया था जी व्हाट इज़ द एज ऑफ पाकिस्तान, तो करेंटली पाकिस्तान इज़ 75 ईयर्स ओल्ड कंट्री और 1947 में पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह सोन आई विल अपलोड द इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स पोर्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।